गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में आप अपने घर पर गर्मियों के मौसम में रहकर तो बोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहते हैं। आप मस्ती ज़रूर करना चाहेंगे, तो इसीलिए आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं पानीपत के असंध रोड पर गोकुल गार्डन के पास किंग लैंड वाटर वर्ल्ड में। ये एक पानीपत की सबसे अच्छी और शानदार जगह है जहाँ पर आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो ऐसे में आप मस्ती करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं पानीपत के किंग लैंड वाटर वर्ल्ड में, क्योंकि अक्सर पानीपत के लोगों को ये दिक्कत ज़रूर रहती थी कि आखिरकार वो इतनी गर्मी के मौसम में जाएं तो जाएं कहाँ। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने पानीपत शहर में खुल चुका है किंग लैंड वाटर वर्ल्ड, जहां पर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ राइड्स ले सकते हैं। साथ ही आपको हम बाहर की तस्वीरें सबसे पहले दिखा दें कि अगर आप यहां पर अपनी कार में अपने बच्चों के साथ आते हैं, बाइक पर आते हैं, तो आपको यहां पर पार्किंग की असुविधा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि किंग लैंड वाटर वर्ल्ड की तरफ से आपको सबसे पहले यहां पर पार्किंग की सुविधा दी जा रही है। तो अगर आप इस किंग लैंड वाटर वर्ल्ड में आते हैं तो आपको ढेरों जो है सुविधाएं वो आपको मिलने वाली हैं। अंदर हम आपको लेकर चलेंगे और अंदर की लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, और जो बच्चे, जो परिवार यहाँ पर आए हैं, जो मस्ती कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, साथ ही यहाँ के मैनेजर से भी बातचीत करेंगे। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वाटर वर्ल्ड के अंदर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ बच्चे बल्कि महिलाएं भी अपने जो है बच्चों के साथ पहुँची हैं एंजॉय करने के लिए। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि सहेलियां हैं जो कि यहाँ पर पहुँची हैं और काफ़ी मस्ती करती हुई नज़र आ रही है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आज फ्रेंड सर्कल में पहुंची हैं? ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि कहीं बाहर जा पाए, लेकिन अब मौका मिला, कैसा लग रहा है? हमें बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। ये सारी हमारी फैमिली है, हम सारी आपस में बहुएं हैं, ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरी मदर इन लॉ है। हमने सबने प्लान बनाया, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हुए थे, रिजल्ट आया कल, हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं सारे। तो बच्चों के लिए वाटर पार्क से गर्मियों से बेटर और क्या ऑप्शन मिलेगा हमें। मतलब आप अपनी सास को भी साथ में लेकर आई, बहू भी साथ? मेरी सास मुझे लेके आई है यहाँ पे। इनकी साथ से जरूर बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं कि एक ही पूरे परिवार की ये फैमिली है, जो कि दोस्त कह लीजिए या फिर पूरा परिवार कह लीजिए, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। इनकी सास हैं, सभी आपकी बहुएं ही हैं? हाँ, ये सारी मेरी बहुएं हैं और हम सारे पानीपत में रहते हैं। और पहले हम जोरासिक पार्क या गरोंडा पार्क जाते हैं, तो इस बार हमने सोचा करनाल जाने की बजाय पानीपत में ही अपने एंजॉयमेंट है तो यहीं करें। हमें बहुत क्लीनिंग लगी है यहाँ, बहुत क्लीनिंग है, वॉशरूम भी बहुत साफ़ हैं और बड़ा एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा है। पानीपत से दूर जाने के बजाय हम तो यही कहेंगे सब पानीपत वासियों से कि पेट्रोल महंगा हो गया और पानीपत में आओ और एंजॉय करो। बस सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, पेट्रोल बचाओ और पानीपत में आओ वाटर पार्क में। हमारे बच्चों के एग्जाम भी है परसों, फिर भी हम आए हैं। हमारे बच्चों के एग्जाम है परसों से, हम फिर भी आए। हमने कहा कोई बात नहीं, इंजॉय भी, जो बच्चों का फ्रेश माइंड हो जाएगा और इंजॉय कर पाएंगे बच्चे। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी और हम भी। ये हमारी चाची सास है, ये पूरी फैमिली है। तो आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं कि एक ही पूरी फैमिली पहुंची है, जो कि काफ़ी फन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद आपसे अपील की है कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है तो क्यों ना आप अपने शहर में ही किंग लैंड वाटर वर्ल्ड में ज़रूर आए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता था कि खासकर पानीपत के लोगों को ये दिक्कतें होती थी कि उन्हें
चंडीगढ़, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वाटर पार्क्स में जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके अपने पानीपत शहर में किंग लैंड वाटर वर्ल्ड एक बार फिर से खुल गया। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से आप यहां पर आकर खूब मस्ती, खूब इंजॉय कर सकते हैं। आगे की राइड्स में आपको लिए चलते हैं। आपसे फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे आप, कैसा इंजॉय यहाँ पे रहे? बहुत मज़ा आ रहा है, स्लाइड्स बहुत अच्छी हैं, लाइक फैमिली टाइम के लिए, कपल्स के लिए इट्स वेरी नाइस प्लेस, विजिट करो, अफोर्डेबल भी है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। पहले ऐसा देखा जाता था कि आप लोगों को करनाल, कुरुक्षेत्र या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, हमारे पानीपत में ऐसा वाटर पार्क नहीं था, लेकिन अब खुल चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुल चुका है, अच्छी बात है, पानीपत के अंदर है, पास है, अफोर्डेबल भी है, तो मज़ा आता है बहुत। आज अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बाकी लोग भी एक बार यहाँ पर विजिट करें? हाँ जी, जरूर आए, बहुत अच्छी जगह है, ये हमारे घर के पास ही है, अच्छा है बहुत। बहुत सी यहाँ पे राइड्स भी हैं, बहुत सी अलग अलग चीज़ें भी हैं यहाँ पर, म्यूज़िक भी है, साथ ही रेस्टोरेंट भी है, बहुत सी सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप लोग और रिजनेबल प्राइस पर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पे फरीदाबाद से आई हूँ अपनी मासी के साथ, पानीपत से, बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पर और हम सब मिल के इंजॉय भी कर रहे हैं, स्लाइड भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है, कई में तो हमारे नाक आँख सब में पानी घुस जाता है, पर मज़ा बहुत आता है। तो अब हमारे साथ किंग लैंड वाटर वर्ल्ड के मैनेजर हैं हमारे साथ, जिनका नाम है शक्ति भारद्वाज, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से किंग लैंड वाटर वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है, इस बार पानीपत की जनता के लिए, पानीपत के बच्चों के लिए क्या कुछ इस बार किंग लैंड वाटर वर्ल्ड की तरफ से नया दिया जा रहा है? किंग लैंड वाटर पार्क को चलाने में अगर मैं मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी का धन्यवाद करना चाहूँगा तो सबसे पहले वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद है, क्योंकि इनके जब इनकी वीडियो डली थी, वीडियो डलने के बाद जिन पे इतने व्यूज़ आए हैं और व्यूज़ आने के बाद जो यहाँ पर गैदरिंग आई है वो वाकई में लाजवाब थी। और अब अगर हम वाटर पार्क की बात करें तो किंग लैंड वाटर पार्क 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, बट जब पहली सीज़न में स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम तो इसमें कोरोना की वजह से ये बंद कर दिया गया था, बट जब नेक्स्ट सीज़न में स्टार्ट किया गया तो 1.5 से 2 महीने हमारे को मौका मिला ये चलाने का, फिर से वो दूसरी रहल में वो बंद हो गया था। लेकिन इस बार जो है और जो लास्ट में जो 1.5 महीना रहा था उसमें जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर आके अपना रिव्यू दिया और यहाँ पर आके जिस तरीके से उन्होंने इन्जॉयमेंट किया तो हमें लगा वाकई में कि हमने पानीपत शहर में ये वाटर पार्क ओपन करके कोई गलती नहीं की है। तो इस बार ही अगर बात करें तो 1 अप्रैल से ये फिर से स्टार्ट किया जा रहा है और इस बार पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कुछ हमने अपडेट कर दिया है इसमें, जैसे अब म्यूज़िक सिस्टम जो है वो अपडेट कर दिया है, सिक्योरिटी जो है मेल बाउंसर फीमेल बाउंसर वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, और इसमें अगर लाइफ गार्ड की बात करें तो लाइफ गार्ड जो है वो काफ़ी हमने बढ़ा दिए, पिछली बार 10 से 12 थे, इस बार 18 से 20 हो चुके हैं। और जो एंट्री है, एंट्री पे जब तक बच्चे टिकट लेते थे तो उनको धूप में खड़ा रहना पड़ता था तो वहाँ पर शेड लगवा दिया गया है, और जो कैंटीन है वो भी अपडेट कर दी गई है, तो ऐसे कर करके हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया है। और फ़ीस जो है वो पिछली बार जितनी है, अगर फ़ीस की हम बात करें तो 600 इसमें
फीस है अडल्ट की और 400 है बच्चों की। उसमें आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फुल एंजॉय करने का मौका मिलता है, उसमें अलग से कोई चार्जेस नहीं है। बट कॉस्ट्यूम और ड्रेस की अगर बात करें तो कॉस्ट्यूम के जिसमें चार्जेस है वो मेल के लिए 50 रुपीज़ है और फीमेल के लिए 100 है। अगर लॉकर की बात करें तो 50 रुपीज़ का एक लॉकर आपको मिलता है। 4 से 5 लोग आप मिलकर एक लॉकर ले सकते हो, मतलब एक फैमिली में अगर 3-4 लोग हैं तो उनके लिए जो लॉकर है वो इनफ है। तो इस तरह से हमने काफ़ी चीज़ जो है वो अपडेट की है। सर, पहले देखा जाता था कि हम खुद भी पानीपत के रहने वाले हैं, अक्सर गर्मियों के मौसम में हम लोगों को कुरुक्षेत्र या दिल्ली साइड जैसे जीटी रोड हाईवे पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग पानीपत की जनता के लिए स्पेशल यहाँ पर वाटर वर्ल्ड लेकर आए हैं, वाटर पार्क आपने खोला है, तो काफ़ी कुछ जो है सुविधा दी है आप लोगों ने पानीपत के लोगों को, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, पानीपत के लोगों को जब भी ऐसा लगता था कि आज संडे है हमें कहीं इंजॉय करना चाहिए, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, तो पानीपत में इस तरीके से कुछ नहीं था, तो उनको या तो सोनीपत साइड जाना पड़ता था या करनाल साइड जाना पड़ता था, तो ओवरऑल उनको 1.5 से 2 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो इतना टाइम उनको जाना और फिर इतने टाइम में आना और फिर दूर जाना और फिर यहाँ के मुकाबले चार्जेस भी थोड़े अलग हैं वहाँ के। तो यहाँ पे हमने जो ये ओपन किया है ये बिल्कुल पानीपत से 3 से 4 किलोमीटर ही आपको जाना पड़ेगा, असम रोड पर गोकुल गार्डन के बिल्कुल पास में है। और चार्जेस की अगर बात करें तो 400 रुपये बच्चे की फ़ीस है, 600 बड़े की फ़ीस है। तो इसमें कोई कपल का कुछ अलग चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग ऑफर है या फैमिली का, ऐसा बिल्कुल सिंपल हमने चार्जेस रखे हुए हैं। और डिस्काउंट की बात करें तो पिछले सीज़न में हमने 20% इसमें डिस्काउंट रखा हुआ था, 600 भी 20% डिस्काउंट। इस बार जो है वो वैसे तो हमने डिस्काउंट बंद कर दिया, बट फिर भी अगर लगता है कि फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं या फिर कोई एकेडमी से कोई आ रहा है, इंस्टीट्यूट से कोई आ रहा है, हम 20 लोग हैं, 25-30 लोग हैं, ऐसे कोई बोलता है, तो उनके लिए भी हमने स्पेशल यहाँ पे ऑफर रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं तो पानीपत के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपके पानीपत शहर में आपका अपना वाटर पार्क ओपन हुआ है, पानीपत के लोगों ने ये ओपन किया है और इतना बड़ा ये वाटर पार्क है, इतने कम इसके चार्जेस हैं, इतना कुछ आपको यहाँ पे इंजॉय करना मिलता है। और यहाँ पर अब तक जब से ये वाटर पार्क ओपन हुआ है लगभग 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ पर नहा के जा चुके हैं, तो उसमें सिंगल एक पर्सन ने भी किसी तरह की भी कोई कंप्लेन नहीं की। और हमें लगता है कि कोई हमें ये बोलता है कि आप इस चीज़ को ऐसा कर सकते हो तो हम उस चीज़ को, हमें लगता है कि वो करने से और अच्छा हो जाएगा, तो हम पब्लिक के रिव्यू पे भी काफ़ी यहाँ पे वर्क करते हैं। तो पानी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो टाइम पे वो फिल्टर होता रहता है, मतलब सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे ओके है। तो मैं पानीपत के लोगों को वॉइस ऑफ पानीपत के थ्रू यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं, और 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे का यहाँ पर। अब हमारे साथ यहाँ के ओनर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे पानीपत के लोगों के लिए कि पानीपत के अलावा जो बाकी आसपास के जिले के लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा भी आप आइए, फैमिली को लेके आइए, पूरा इंजॉय करिए। पानीपत में अब बिल्कुल नज़दीक है, 2 किलोमीटर है पानीपत से जी, असंध रोड नियर गोकुल गार्डन के पास ही है किंगलैंड वाटर पार्क। सर, अगर हम बात करें राइड्स की, क्योंकि पेरेंट्स को ये रहता है कि बच्चे जिस भी वाटर पार्क में जाएं तो वहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि राइड्स पर बच्चों को चोट भी लग जाती है। बात करें किंगलैंड वाटर वर्ल्ड की, तो यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी बच्चों को दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है जी, हम बाउंसर भी रखे और लाइफ गार्ड हमारे बहुत ज़्यादा हैं, हर राइड पर 2-2 लाइफ गार्ड हैं हमारे, तो पूरा बच्चों को किसी को बिल्कुल सिक्योर है कोई ऐसा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जगह पर सब कुछ यहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी मिल रही है और इंजॉय भी पूरा फुल। बिल्कुल इंजॉय मिलेगा जी, हर चीज़ का मिलेगा, कोई किसी प्रकार फुल पैसा वसूल, बिल्कुल फुल मस्ती। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, आपको बता दें कि आपको आना कहाँ पर है, आप आ सकते हैं पानीपत के असंध रोड पर गोकुल गार्डन के पास किंगलैंड वाटर वर्ल्ड में। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से ये किंगलैंड वाटर वर्ल्ड ओपन हो जाता है और शाम के 7 बजे तक आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ फुल इंजॉय कर सकते हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।